तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने फ़ोन के अंदर सिंपल तरीके से जो आपका फिंगरप्रिंट है वो आप सेट कर सकते हैं। तो गाइस, कैसे करेंगे? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। अपने फ़ोन की सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग में आने के बाद गाइस, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिंगरप्रिंट का, आपको इस पर क्लिक करना है। फिंगरप्रिंट पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे आपका जो भी पासवर्ड है आपके फोन में डाला हुआ, पैटर्न पिन पासवर्ड जो भी आपको वो डाल के कंफर्म करना है। तो यहाँ पर हम सिंपल तरीके से उसको डाल देते हैं, ठीक है। इस डालने के बाद गाइस, यहाँ से आपको अपना सिंपल तरीके से अपना फिंगरप्रिंट सेंसर फिंगर पर लगाना है। चलिए गाइस, यहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट इसके अंदर इंसर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से आपको फिंगरप्रिंट लगाना है, हटाना है। आपका फिंगरप्रिंट कहीं भी हो सकता है, इन डिस्प्ले कहीं भी हो, तो आपको इस तरीके से करना है जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो ऑलमोस्ट हम ये कर ही चुके हैं। ओके, होने वाला है। तो इस तरीके से हमको ये सेट कर लेना है। ये हमारा सेट हो चुका है, इसको हम सिंपल तरीके से यहाँ पर डन करेंगे या फिर ऐड अनदर फिंगरप्रिंट भी कर सकते हैं। तो इसको हम डन कर लेते हैं क्योंकि हम इसके अंदर एक ही फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर फेस भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद गाइस, यहाँ पे आप चाहें तो इसके अंदर मल्टीपल फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपका स्क्रीन अनलॉक हो गया, यहाँ से आपका ऐप लॉक और प्राइवेट सेव के लिए भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट सेट कर सकते हैं। तो गाइस, आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस, हम मिलते हैं आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।